इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजाति के वन्य प्राणी रहते हैं, जिसकी देखभाल और रखरखाव की जिम्मेदारी इंदौर नगर निगम के पास है। इन दिनों मौसम की बेरुखी एवं ठंड की अत्यधिक दस्तक के चलते चिड़ियाघर में ठंड से बचने के लिए वन्य प्राणियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थाओं के संबंध में इंदौर चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शेर, चीता, खरगोश, सांप के विभिन्न प्रजातियों को ठंड से बचाने के लिए कई तरीके की व्यवस्था की गई है, जिसमें लकड़ी के बॉक्स बनाए गए हैं और उसमें 100 वॉट के बल्ब लगाए गए हैं, जिससे उनके पिंजरे में गर्मी बनी रहे, जिसके चलते ठंड में उनकी मौत ना हो। साथ ही कंबल भी बिछाए गए हैं, घास भी डाली गई है और अत्यधिक ठंड पड़ने पर ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। वहीं चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के लिए यह व्यवस्था पूरे ठंड भर रहेगी। देखिए, लायन टाइगर दोनों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, उस हिसाब से नंबर साहब इनके करीब, टाइगर करीब हमारे पास 10 के करीब हो गए और 9 के करीब हमारे पास लायन हो चुके हैं, तो इस तरह से 19 हमारे पास ये गए और 3 लेपर्ड है, तो इस तरह से करीब करीब 20-21 का परिवार हमारे पास विडाल फैमिली के हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हम लोगों ने उनको दे रखा है। जिस तरह का एनरिचमेंट, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो उनको देना था, एक ब्रीडिंग के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, उनका डाइट शेड्यूल, उनका डिवर्मिंग, इनका वैक्सीनेशन, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर टाइम टू टाइम विथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के साथ हम लोग करते हैं। इसी कारण एनिमल और एनिमल्स के साथ हमारे जो कीपर्स वगैरह जो रहते हैं, चाहे सफाई वाले हो या फिर उसके केयर टेकर हो, सभी उनसे एक तरह का फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उनके तरह में मन में या उनके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रेस लेवल नहीं रहता, स्ट्रेस फ्री रहते हैं वो, तो यही कारण है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के कारण ये ब्रीडिंग प्रोग्राम है। व्यवस्थाएं हम लोगों ने सारे एनिमल्स के लिए कर रखी है, जिसमें बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं और रेप्टाइल्स भी आते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को, वो रेप्टाइल्स को लेके होती है, क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको हम लोगों को फिर आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना होता है। आर्टिफिशियल टेम्परेचर देने के लिए हम लोगों को अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप के प्रोविजन करना पड़ता है, जैसे हीटर से लेकर ब्लोअर से लेकर वुडन प्लैंक, उसके अलावा वुडन प्लैंक के अलावा ब्लैंकेट, लकड़ी का बुरादा, ये सब सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जैसे अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स हम लोगों ने ब्लैंकेट तो लगा ही रखे हैं वहाँ पर, साथ ही उसके साथ ही साथ लकड़ी का बुरादा भी बिछा रखा, ताकि हीट का बैड कंडक्टर होने के कारण वो अपनी हीट को रिटेन करने में एनिमल्स की काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, वुडन के बॉक्स लगा रखे, बॉक्स में 100 वाट के करीब 4 बल्ब लगा रखे हैं, जो कि पूरे समय हीट प्रोड्यूस करते रहते, जलते रहते, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट अपने सराउंडिंग को गर्म करती है, जिससे वो एनिमल को काफ़ी कंफर्ट जोन में रखती है। तो यही व्यवस्था हम लोगों ने टर्टाइज, चूँकि वो भी रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, तो रेप्टाइज टर्टाइज के लिए भी ये व्यवस्था करी है, और टर्टाइज भी वहाँ पर हम लोगों ने 2 जगह पर 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, जो एकदम ज़मीन से करीब करीब 1 फीट की डिस्टेंस पर है, और दूसरा उसमें वुडन के बॉक्स के अलावा हम लोगों ने हीटर भी लगा रखे हैं, गनी बैग डाल रखे हैं और घास की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट एनिमल को इस तरह के मौसम में चाहिए रहता है, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए रहता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए उसके नीचे चला जाता है। तो ये जो मेनली हम लोगों ने जो व्यवस्थाएँ करी है, टाइगर के लिए भी व्यवस्था करी, टाइगर में हम लोगों ने जो उसकी नाइट सेल रहती है विडाल फैमिली के मेम्बर्स के लिए, चूँकि हमारा फ्लोर फर्श का बना हुआ है, चाहे ठंडा हो जाता, तो उससे बचने के लिए वुडन के प्लैंक लगा दिए, ताकि उनको सीधा सीधा कोल्ड वेव का एक्सपोजर, नीचे से ठंडे का एक्सपोजर ना मिल पाए, और उनकी जो सेल रहती है उस पर हम लोग ग्रीन नेट लगा रहे हैं, जिससे कि उनको ठंडी हवा का एक्सपोजर सीधे से ना मिल पाए। तो ये व्यवस्था जो हम लोगों ने की, जो हमारे सारे एनिमल को किसी भी तरह से ये कि, चूँकि ये कंडीशन ऐसी कि इसमें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एनिमल्स को बचाने के लिए ये व्यवस्थाएँ करिए, जो कि अच्छे कम्फर्ट जोन में रखती है एनिमल्स को।